हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल में या फिर आप अपने वेबसाइट को गूगल के सर्च में कैसे लेके आ सकते हैं। चलो फिर ज़्यादा देर न करते हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कौन से प्रोसेस से आपका वेबसाइट गूगल के सर्च में आ सकता है। सिंपली आपको चले आना है, यहाँ पर टाइप करना है साइट और कॉलम देंगे गाइज, यहाँ पे आपके वेबसाइट को पेस्ट करना है। सिंपली सर्च करना है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा वेबसाइट आ चुका है। यहाँ पे अगर आपका वेबसाइट नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब आपका कुछ गूगल सर्च कंसोल में प्रॉब्लम है। आपने आपका वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में लिंक ही नहीं किया है, और लिंक किया है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो सारे फैक्टर हम जानेंगे। पहला फैक्टर ये है, सर्च करेंगे जीटी मैट्रिक्स में जाने के बाद फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे सर्च करके आपको लिंक पे क्लिक करना है। आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, एक सिंपल सा फ्री वाला अकाउंट है। यहाँ पे आपके वेबसाइट का लिंक डाल देना है, यहाँ पे एनालाइज करेंगे। एनालाइज जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्रेश हो रहा है, और कौन से सर्वर लोकेशन से कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कैनेडा, अलग अलग जो सर्वर होता है वहाँ से आपके वेबसाइट को स्क्रॉल करता है, वहाँ से उसको वेबसाइट को ओपन करता है। ओपन करने के टाइम पे कितना टाइम लगा उस वेबसाइट को ओपन होने में, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना स्पीड आपके जो वेबसाइट में है वो पूरा डिटेक्ट करता है और बता देता है कि जैसे कि यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट है अभी जीटी मैट्रिक ग्रेड में ए आ रहा है, और परफॉर्मेंस 100%, स्ट्रक्चर 94%, जो कि आप पूरा वेबसाइट को ओपन होने के लिए 8 सेकंड लगे हैं, तो ये वेबसाइट काफ़ी फास्ट है। ठीक है, इस तरह से आपके वेबसाइट को भी चेक कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका वेबसाइट इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। गूगल उन्हीं वेबसाइट को इंडेक्स करता है जो वेबसाइट का स्पीड काफ़ी फास्ट होता है, उसी वेबसाइट को इंडेक्स करता है, एक चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो या फिर स्पीड बहुत ही कम हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट फैक्टर पे हम चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर ये है कि हमारा जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, या फिर अदर डिवाइस फ्रेंडली है कि नहीं। अभी हम उसको चेक करेंगे। वो कैसे चेक करना है आपको, यहाँ पर सिंपली आपके वेबसाइट का लिंक डालना है और यहाँ पर इंटर कर देना है, आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट, देखिए यहाँ पे जैसे हमने इंस्पेक्ट क्लिक किया तो ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो गया। यहाँ पे आपको डिवाइस का नेम दिख रहा होगा, और उसके बाद ये कितना परसेंट, 100% मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका वेबसाइट दिख रहा है मोबाइल में। अगर आपका मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, गूगल उन सारे वेबसाइट को नहीं दिखाएगा जो मोबाइल फ्रेंडली ना हो, लैपटॉप फ्रेंडली ना हो, या फिर अदर डिवाइस फ्रेंडली ना हो, तो उसको रैंक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डिवाइस अलग अलग चेंज करके देखना है कि आपका वेबसाइट कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, हम इसको पैड में ओपन करते हैं, देखिए पैड में ऐसा दिखेगा, और आईफोन में ऐसा दिखेगा SE में, और iPhone 12 Pro में ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपको उस वेबसाइट को चेंज करना पड़ेगा, उस वेबसाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे थीम यूज कर लेते हैं कि जिसमें मोबाइल फ्रेंडली का ऑप्शन ही नहीं होता है, और फिर बाद में उनको सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ती है, फिर से चेंज करने पड़ते हैं, थीम चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी आप थीम चूज़ करते हैं पहले से ही चूज़ करें कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर के तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि आपके वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, आपके वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स बने हैं, और कितना टाइम लगता है आपके वेबसाइट को अथॉरिटी गेन करने में और बैकलिंक डेवलप करने में, मैं वो भी बताऊंगा। चलो फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे सिंपली चले जाना है, न्यू टैब ओपन करना है, और यहाँ पे सेमरस को सर्च करना है। यहाँ पे ओपन कर लेंगे इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट पे आपको एक अकाउंट बना लेना है फ्री वाला, क्योंकि विदाउट फ्री वाले अकाउंट से आपको कुछ भी कोई नहीं देता है यूज करने के लिए। आपको एक फ्री अकाउंट बना लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपके वेबसाइट का डोमेन नेम है उसको सर्च करना है। ठीक है,
जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके वेबसाइट का अथॉरिटी यहाँ पे बता देगा कितना अथॉरिटी आपके वेबसाइट का, दो, और बैकलिंक एक, क्योंकि ये मेरा नया वेबसाइट है, जस्ट क्रिएट किया है, और ये अथॉरिटी इसका दो है और बैकलिंक एक ही बने हैं। तो गाइस इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि कितना अथॉरिटी आपके वेबसाइट का है और कितने बैकलिंक्स बने हैं, क्योंकि कोई भी वेबसाइट को डेवलप होने में, बिल्ड होने में, अथॉरिटी बिल्ड होने में काफ़ी टाइम लगता है। एटलीस्ट 3 to 6 months लग जाते हैं कि आपके वेबसाइट को बेटर अथॉरिटी और बैकलिंक्स क्रिएट होने में, क्योंकि आप जितना ही कंटेंट उस पर डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अथॉरिटी और बैकलिंक्स बनते हैं, क्योंकि बहुत लोग आपके पोस्ट को यूज करते हैं, बहुत लोग आपके पोस्ट को कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह से आपका वेबसाइट का अथॉरिटी धीरे धीरे करके बिल्ड होता जाता है, क्योंकि एक दिन में तो आप सारे कंटेंट तो नहीं लिख लेते हैं और एक दिन में सब शेयर तो नहीं हो जाता है, तो वो लोग धीरे धीरे शेयर करते हैं। तो और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपका वेबसाइट का जो भी लिंक है हमेशा सोशल मीडिया या फिर इस जगहों पे शेयर करते रहे। जैसे कि मैं दो प्लेटफॉर्म भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा ही आपके जो वेबसाइट को शेयर करना है। पहला है कोरा। कोरा में आपको क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं चैट जीपीटी के मदद से, और उस क्वेश्चन में आपका जो वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं कोरा पे। और नेक्स्ट है medium.com। medium.com पे भी आप अपना कंटेंट को थोड़ा सा मेंशन करें और वहाँ पे भी आपका लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ही जल्दी डेवलप होगा। बैकलिंक के इसमें ही मैं बता दूं कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। वहाँ पे सिंपली सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ, इससे इसका जो बैकलिंक जो बनता है, जो वेबसाइट का बैकलिंक बनता है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी होता है इसमें आपको। मैं और एक काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, मिस्टर पैक सोल्यूशन यहाँ पे सर्च किया मैंने, और इसको हम अगर हम मैप में सर्च करेंगे तो जो भी बिजनेस रहते हैं उनके एक खुद का वेबसाइट रहते हैं, बट वो लोग अपना जो प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल वो बनाते नहीं है, जिसके वजह से उनको एक जो बेस्ट लिंक होता है वो चला जाता है। जैसे कि गूगल का ये मैप है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक है, जितने भी मैंने अभी सर्च किया जैसे कि मिस्टर पैक सोल्यूशन करके, तो यहाँ पे जितने भी पैक सोल्यूशंस के जो प्रोवाइड कर रहे उनके खुद के एक लिंक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने नहीं डाला है, यहाँ पे इन्होंने नहीं डाला है वेबसाइट, यहाँ पे भी नहीं डाला है, तो इन्होंने एक बेस्ट लिंक को मतलब खो दिया है या फिर मिस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक डालते हैं गूगल मैप में, तो आपका यहाँ से भी आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाती है। बिजनेस अकाउंट है तो 100% बढ़ने ही वाली है। तो ये बेसिकली जो बिजनेस अकाउंट है उनके लिए है ये चीज़ करना है, ठीक है गाइज। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। यहाँ पे हमें आ गया, यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, कि मैंने ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन कर लिया। यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल इसलिए लॉगिन करना है, इसलिए क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ से आप आपके वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है, कि कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं, आपके वेबसाइट इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इवन साथ आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कि आपका वेबसाइट कौन सा कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और कौन सा लिंक है आपका वेबसाइट जो कि इंडेक्स हुआ है और कौन सा वेबसाइट लिंक है जो नहीं इंडेक्स हुआ, आपको यहां से पता चल जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपना वेबसाइट का यहां पे लिंक तो कर देते हैं बट प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे साइट मैप लिखा हुआ है, साइट मैप में अपने वेबसाइट को यहाँ पे अपना जो साइट मैप होता है वहाँ पे एंटर नहीं करते हैं, एडिट नहीं करते। जैसे मैंने इस वेबसाइट पर नहीं किया है तो उसके वजह से मेरा ओवरव्यू में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर आपने साइट मैप यहाँ पे डाला रहता था तो इससे क्या होता, जब भी आपके वेबसाइट पे कोई भी नया कंटेंट या फिर कोई भी पोस्ट आप डालते थे तो साइट मैप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता था और यहाँ पे वो बता देता कि ये वेबसाइट पे ये पेजेस नए ऐड हुए। जब भी आप जो गूगल का क्रॉलर रहता है वो जाके वहाँ पे स्क्रॉल करता है आपके वेबसाइट को, तभी वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये वेबसाइट पे ये पेजेस नए ऐड हुए हैं, इसको भी इंडेक्स करना है, ठीक है गाइस।
तो ये चीजें करने हैं, तो इस तरह से काम करता है गाइस। अभी चलो हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर पे, वो है कंटेंट क्वालिटी। गाइस कंटेंट क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि आपके जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं आपके वेबसाइट पे, जो भी कीवर्ड्स डाल रहे हैं उसमें क्वालिटी होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं चाहिए, या फिर आप जो भी डालते हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, और मतलब अपीयरेंस में भी बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, पूरा फुल्ली मैनेज होना चाहिए, जब भी आपका कीवर्ड्स है फुल्ली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो कंटेंट की क्वालिटी भी बहुत ही मैटर करता है, तो आप कंटेंट की क्वालिटी भी आप इम्प्रूव करेंगे, इतना ज्यादा मैटर तो नहीं करता है, लेकिन इससे पहले वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैटर करते हैं। तो गाइस इस तरह से आप अपने वेबसाइट को गूगल के सर्च में लेके आ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Now and press the bell icon.